आज मैं सर्वाइव करने जा रहा हूँ पूरे 100 डेज ऑन अ सिंगल ट्री इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। तो यहाँ पर मेरे को 4 वुडलॉग के अलावा घंटा कुछ देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पर मेरे को 100 डेज तक सर्वाइव करना है। बाकी यहाँ पर ग्रास नहीं है सीड्स बनाने के लिए एंड जमीन ही नहीं है ग्रास उगाने के लिए, तो भैया जमीन के लिए भी बहुत पापड़ पेलने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर साला ड्रोन भी घूमता रहता है, बात अलग है कि भैया उनसे मेरे को ट्राइडेंट मिल सकता है, बट भाड़ में जाए ट्राइडेंट, मेरे को बस जिंदा बचना है। सो इस 100 डेज की जर्नी पर मेरे को एक बड़ा सा ट्री हाउस बनाना है, फुल्ली एंचेंटेड डायमंड आर्मर का जुगाड़ करना एंड साथ ही साथ एंडर ड्रैगन का अंडा चुराना है। सो देखते हैं कि क्या मैं 100 डेज तक सर्वाइव कर पाता हूँ या फिर नहीं। लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग के साथ हमारा फर्स्ट डे यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वुड्स कलेक्ट करने के अलावा मेरे पास कोई और काम धंधा नहीं था, सो मैंने डिसाइड कर लिया चलो वुड्स कलेक्ट कर लेते। बाकी मैंने यहाँ पर थोड़े बहुत प्लैंक्स बनाए, उसके बाद थोड़े बहुत स्टिक्स एंड मैंने यहाँ पर जितना हो सके उतना इंपॉर्टेंट टूल्स को भी क्राफ्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने बहुत सारा डर्ट कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब आइलैंड को एक्सपांड भी करना है। तो यहाँ पर मैंने डर्ट कलेक्ट कर दिया, बाकी जितना हो सके उतना बड़ा आइलैंड को भी एक्सपांड कर लिया। उसके बाद मेरे पास जितना भी सैपलिंग्स था उन सबको वापस लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक और एप्पल भी था, खाने के लिए बस यही बचा था। एंड यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत और डर्ट कलेक्ट कर दिया, बहुत सारे डर्ट। उसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर रात भी हो चुकी थी, सो मैंने डिसाइड कर लिया नीचे चल के थोड़ा बहुत माइनिंग करते हैं, क्योंकि करने के लिए कोई और काम नहीं बचा था। सो मैंने डिसाइड कर लिया नीचे चल के थोड़ा बहुत माइनिंग करते। बाकी यहाँ पर मैंने एक स्टोन का पिकैक्स को भी क्राफ्ट कर लिया था। थोड़ी देर के बाद मेरे को यहाँ पर लैपिस लजुली मिल जाता है। तो वैसे मेरे को यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं था कि ये लैपिस लजुली इतना ऊपर भी मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर मेरे को कोल भी मिल जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर टॉर्च को भी क्राफ्ट कर लिया एंड सब जगह उजाला ही उजाला कर दिया। बाकी यहाँ पर मेरे को आयरन भी मिल जाते, तो मैंने सोचा इनको कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं सीधा चला गया वापस। तो यहाँ पर ट्री बड़ा हो चुका था, सो मैंने डिसाइड कर लिया इसको कलेक्ट कर लेते हैं। बाकी आजकल कुछ ज्यादा ही गरीबी चल रही है। उसके बाद एक बच्चा आ गया, उसने मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया, तो इसको भी मैंने फटका मार दी क्योंकि मैं बहुत स्टैंड पर दिखा रहा था। बाकी पूरा पूरा संतान भाग के मेरे पीछे आ गया। अबे सालो कुछ तो शर्म कर लो, उसने पहले पंगा लिया था मेरे से, आप मेरे ही पीछे पड़ गए यार, कुछ अलग ही नशेड़ी है यार। बस एक बार डायमंड मिल जाए बाद में बताऊंगा आपको। उसके बाद यहाँ पर मैंने बचे कुछ वुड्स को भी कलेक्ट कर लिया एंड स्टोन के सभी टूल्स को क्राफ्ट कर लिया एंड साथ ही साथ एक फर्नेस को भी क्राफ्ट कर लिया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आयरन्स थे उनको स्मेल्ट करने थे। तो यहाँ पर मैंने आयरन्स को स्मेल्टिंग के लिए लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर डर्ट कलेक्ट करने लगा। फिलहाल के लिए मेरा आइलैंड बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसको बड़ा बनाना है। बाकी यहाँ पर बहुत रात हो चुकी थी, सो मैंने डिसाइड कर लिया अंदर चल के थोड़ा बहुत माइनिंग करते। तो माइनिंग करते करते मेरे को बहुत सारे आयरन्स एंड कोल्स मिल चुके थे। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा डर्ट कलेक्ट हो चुका था, सो मैंने डिसाइड कर लिया चलो आइलैंड को एक बार एक्सपांड करते हैं। बाकी यहाँ पर ड्रोन भी मेरा दिमाग चाट रहा था, इसको भी मैंने फटका मार के भगा दिया। बस एक बार डायमंड्स मिल जाए बाद में आपका खोपड़ी तोड़ूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने मेरे लिए एक छोटा सा घर बना दिया, क्योंकि रहने के लिए कोई भी घर नहीं था, साला ड्रोन भी बहुत दिमाग खराब कर रहा था, इसलिए एक छोटा सा घर बना दिया टेम्पररी के लिए। साथ ही साथ दो दरवाजों को भी क्राफ्ट कर लिया, क्योंकि भैया चोर चक्के बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं। उसके बाद मेरे पास जितना भी सामान था क्राफ्टिंग टेबल या फिर फर्नीचर सबको प्लेस कर दिया एंड यहाँ पर आयरन को भी स्मेल्टिंग के लिए लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर जितने भी ट्रीज बड़े हो चुके थे उन सबको मैंने कलेक्ट कर दिया, क्योंकि भाई वुड्स की बहुत ज्यादा कमी चल रही है। एंड यहाँ पर मैंने माइनिंग करने के लिए एक अलग सी जगह बनाई, क्योंकि मैं जहाँ भी गड्ढा खोदूं वहां से पानी आ रहा था एंड बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया एक अलग सी जगह बनाते। बाकी जितना भी पुराने घर में सामान है उन सबको नए घर में प्लेस कर दिया एंड पुराने घर को तोड़ दिया। साथ ही साथ फुल सेट ऑफ आयरन आर्मर्स को भी क्राफ्ट कर लिया, इवन सभी टूल्स को भी। बाकी यहाँ पर मेरे को देख सकते हो यार, एकदम से खतरनाक लग रहा हूँ, अब लग रहा हूँ कोई प्रो प्लेयर है। बाकी जितना भी फालतू सामान था उन सबको मैंने चेस्ट में स्टोर कर दिया एंड रेगुलर काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी लकड़ियां कलेक्ट करना। उसके बाद घर को थोड़ा बहुत डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया, डेकोरेशन मतलब थोड़ा बहुत शेप देना स्टार्ट कर दिया, मतलब लगना चाहिए ना कोई जिंदा इंसान का घर है। वैसे यार मेरे को जोरों से भूख लग रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया देखने के लिए कहीं पर खाना बचा या फिर नहीं। यहाँ पर तो ज़ॉम्बीज का मेला लगा हुआ था, बहुत सारे क्रीपर्स थे। बाकी यहाँ पर मेरे को 3 एप्पल मिल जाता भाई, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। यहाँ पर एक क्रीपर नाच रहा था, इसको मैंने फटका मार दिया एंड जल्दी से घर के अंदर भागा। वैसे कुछ भी बोलो, एप्पल बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। उसके बाद मैंने माइनिंग करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह को डिसाइड कर दिया एंड माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। मेरे को बहुत सारा आयरन, गोल्ड, लैपिस लजुली, साथ ही साथ मेरे को रेडस्टोन भी मिल जाता है, इवन मेरे को बहुत सारे डायमंड्स भी मिल जाते हैं। वैसे यार सीरियसली अगर रियल लाइफ में डायमंड्स मिल जाए तो इतना खुशी नहीं होता जितना माइनक्राफ्ट में होता है, बट एक चीज पर जरूर से खुशी मिल सकती है, अगर मेरे 5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए तो जरूर से जाके सब्सक्राइब करना। अगर मेरे 5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे तो मैं ड्राउन का ही टैलेंट लेके वापस उसको ही फेंक के मारूंगा। बहुत माइनिंग करने के बाद मैं सीधा वापस आ जाता हूँ। मेरे पास बहुत सारा आयरन एंड गोल्ड कलेक्ट हो चुका था, इसलिए मैंने 2 फर्नेस को क्राफ्ट किया एक्स्ट्रा फर्नेस एंड इनको प्लेस कर दिया। बाकी जितना भी मेरे पास आयरन है, गोल्ड, इन सबको मैंने स्मेल्टिंग के लिए लगा दिया।
मेरे को यहाँ पर बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। 2-3 दिन तक मैंने एप्पल से ही काम चला लिया, बट अब यहाँ पर खाने के लिए कोई भी जुगाड़ नहीं था। सो मैंने डिसाइड कर लिया ओशन के अंदर चल के थोड़ा बहुत फिशिंग करते हैं। बाकी यहाँ पर ड्रोन भी मेरे से पंगे ले रहा था, इसको मार के इसका शेल भी ले लिया। उसके बाद मैंने बहुत सारे फिशेस को मारे, कम से कम 4-5 फिशेस को तो मारे, बाकी उसको कुक करके खा लिया। उसके बाद मैंने एक बोट को क्राफ्ट कर दिया, निकल पड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए कोई भी जुगाड़ नहीं था। साथ ही साथ यहाँ पर माइनिंग करने के अलावा कोई भी काम धंधा नहीं था। सो मैंने डिसाइड कर लिया थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी कर देते हैं। बाकी यहाँ पर मेरे को एक शिपराक दिख जाता है, भाई मैं सीरियसली बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। तो मैंने बिना देरी के एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक चेस्ट मिल जाता है, इसमें मेरे को एक मैप दिखता है, भाई मतलब मैप की ज्यादा जरूरत नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर एक और चेस्ट था, इसमें मेरे को 4-5 मॉस ब्लॉक्स भी मिल जाते, एक बैम्बू भी एंड बहुत सारे पोटैटोस। भाई साहब खाने का जुगाड़ तो आराम से हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने मॉस ब्लॉक को प्लेस कर दिया एंड मेरे पास सिर्फ एक ही बोन था, इससे मैंने बोन मिल बनाए एंड बोन मिल मारा इसको, तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रास उग चुके थे। तो मैंने यहाँ पर ग्रास तोड़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरे को बहुत सारे सीड्स चाहिए थे। सो मैंने बहुत देरी तक ग्रास तोड़ा तो यहाँ पर मेरे को फाइनली सीड मिल जाता है। सीरियसली यार मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। जब मेरे को डायमंड मिला तो इतना खुशी नहीं हुआ जितना अब हो रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर वुड्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड मेरे पास जितने भी सीड्स थे उन सबको मैंने लगा दिया। बाकी मेरे पास 3 पोटैटोस भी थे, इनको भी यहाँ पर मैंने लगा दिया। उसके बाद 2-3 पिकैक्स को क्राफ्ट कर दिया एंड निकल पड़ा माइनिंग करने के लिए। मैंने थाम रखा था मेरे को कम से कम 1 स्टैक तक डायमंड्स चाहिए, वरना मैं ऊपर नहीं आऊंगा। जब मैं वापस आ जाता हूँ तो यहाँ पर एक एंडर ड्रैगन का चेला खड़ा था, इसने मेरे को वार्निंग दी कि एंडर ड्रैगन से पंगे मत ले, तो इसको मैंने कुत्ता बना के मार दिया। उसके बाद मैं दिन भर डर्ट कलेक्ट करता रहा क्योंकि मेरे को आइलैंड को और भी एक्सपांड करना था, क्योंकि मेरा आइलैंड बहुत ही ज्यादा छोटा है एंड मेरे पास सैपलिंग्स भरे पड़े हैं। तो मैंने डिसाइड कर लिया चलो थोड़ा बहुत डर्ट कलेक्ट करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारा डर्ट कलेक्ट हो चुका था, सो मैंने डिसाइड कर लिया आइलैंड को थोड़ा बहुत एक्सपांड करते। तो अब तक मैं थोड़ा थोड़ा जगह ही एक्सपांड कर रहा था, अब मैंने सोच लिया कि जगह को थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्सपांड करते। तो चलो भाई टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं बनता, चलो स्टार्ट करते हैं। आइलैंड को बड़ा बनाते बनाते यहाँ पर सूरज भी ढल चुका था एंड बहुत सारे मॉब स्पॉन हो चुके थे एंड साथ ही साथ यहाँ पर स्पाइडर्स भी थे, इनको मैं मारने लग गया क्योंकि अब तक मेरा बेड भी क्राफ्ट नहीं हुआ है। सो मैं डिसाइड कर लिया इनको मार के स्ट्रिंग कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सैपलिंग्स लगाने के लिए बहुत ही बड़ा एरिया बन चुका था, मेरे पास जितना भी सैपलिंग्स था उन सबको यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने डायमंड पिकैक्स को क्राफ्ट कर दिया एंड निकल पड़ा माइनिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत सारा ऑब्सिडियंस चाहिए था, इसलिए सबसे पहले केव ढूंढना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पर मेरे को बहुत सारा क्ले ब्लॉक मिल जाता है, इन सबको मैंने कलेक्ट कर देता हूँ। साथ ही साथ एमेथिस्ट शार्ड का बहुत ही ढेर मिल जाता है, इन सबको मैंने कलेक्ट कर देता हूँ, इनसे बिल्डिंग भी काफी ज्यादा बढ़िया बनेगा। बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद मेरे को कोई केव नहीं मिलता है, इसलिए मैंने सोचा यार स्ट्रेट डिगिंग करते हैं, कोई भी केव मिल सकता है। उसके बाद मेरे को फाइनली एक केव मिल जाता है, ये मतलब बहुत ही ज्यादा प्यारा सा गुफा था। उसके बाद बिना देरी के यहाँ पर मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे बेरीज थे, इन सबको मैंने कलेक्ट कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर मेरे को लावा भी मिल जाता है, बाकी ये चूरन मेरे से पंगे ले रहा था, इसको भी मैंने बचा दिया। एंड यहाँ पर जितना भी लावा था उनके ऊपर मैंने पानी डाला एंड ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर दिया एंड जितना हो सके उतना ऑब्सीडियन को कलेक्ट कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉसम वाले फ्लावर्स थे, इन सबको मैंने कलेक्ट कर दिया, डेकोरेशन करने में काम आ जाएगा। एंड थोड़े बहुत मॉस ब्लॉक्स को भी कलेक्ट कर दिया, क्या पता आगे काम आ जाए। Day 20। तो यहाँ पर मैं डेली काम करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे फसल उगे थे उन सबको कलेक्ट कर दिया एंड फार्म को थोड़ा बहुत एक्सपांड भी कर लिया। उसके बाद मैंने एन्चेंटमेंट टेबल को क्राफ्ट कर दिया, साथ ही साथ फुल सेट ऑफ डायमंड आर्मर्स को भी, इवन सभी टूल्स को भी क्राफ्ट कर लिया। उसके बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे को यहाँ पर एक रुइंड पोर्टल दिखता है, उसके ऊपर एक गोल्डन ब्लॉक भी था, इसको भी मैंने कलेक्ट कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे एक चेस्ट भी था, इसमें देखा तो मेरे को एक सिल्क टच वाला शवल भी मिल जाता है। उसके बाद मैं एक आइलैंड पर आ जाता हूँ, यहाँ पर एक ग्रास ब्लॉक था, इसको भी मैंने कलेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे आइलैंड पर कोई भी हरियाली नहीं था, सो इसको कलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं आइलैंड को वापस आ गया एंड जो मेरे को ग्रीन कलर का ब्लॉक मिला था उसको यहाँ पर मैंने प्लांट कर दिया, इससे क्या होगा कि सारा का सारा जमीन हरा भरा बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने वुड्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तभी मेरे ऊपर पिलेजर्स के झुंड ने अटैक कर दिया था, तो मैंने 2 पिलेजर्स को बहुत बुरी तरीके से मार दिया। बाकी एक तो इनको मार खाते हुए देख के डिप्रेशन में चला गया था, इसको मैंने पहले जगा दिया, उसके बाद गंदी वाली कुटाई कर दी। तो मैं यहाँ पर दोबारा से निकल पड़ा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। इस बार मेरे को थोड़ा बहुत हरा भरा आइलैंड दिख जाता है,
तो मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। वैसे इस बार मेरे को कोई ढंग का आइलैंड दिखा है तो मैं सब कुछ बटोर के लेके जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने शिप्स को मार के उनका वूल ले लिया। बाद में ही मेरे को पता चला मेरे पास एक शेयर्स भी है। उसके बाद नीचे जितने भी बेरीज थे उन सबको मैंने कलेक्ट कर दिया। वैसे मैं खाना लाना भूल गया था। बाकी यहाँ पर मैंने बहुत सारे वुड्स को कलेक्ट कर दिया, साथ ही साथ इनका सैपलिंग्स को भी कलेक्ट कर दिया। आइलैंड के सामने एक और बड़ा सा आइलैंड दिख रहा था, वहाँ पर मेरे को बहुत सारे शुगर केन्स दिख रहे थे। सो मैंने डिसाइड कर लिया वहाँ पर एक बार चल के देखते। पास जाते ही मेरे को पता चला वहाँ पर एक विलेज भी है, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जितने भी शुगर केन्स है उन सबको मैंने कलेक्ट कर दिया। बाकी यहाँ पर एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर रेड स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मेरे में बैड ओमन का इफेक्ट लगा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। बस आप देखते जाओ मैं विलेजर्स के कैसे गंदी वाली कुटाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं फाइनली बन चुका था हीरो ऑफ द विलेजर। तो मैंने सक्सेसफुली रेड को डिफेंड कर दिया एंड सभी विलेजर्स को बचाया। उसके बाद मैंने विलेज लूटना चालू कर दिया। इनको मैंने विलेजर से बचाया, इसके बदले मेरे को कुछ तो चाहिए ना, तो इसलिए मैंने लूटना चालू कर दिया। बाकी मेरे पास बहुत सारे वीट एंड पंपकिन कलेक्ट हो चुके थे। उसके बाद मैं सीधा वापस आ जाता हूँ एंड इन सबको लगा देता हूँ। उसके बाद मेरे पास जितने भी सैपलिंग्स थे उन सबको यहाँ पर मैंने लगा दिया क्योंकि इनसे थोड़ा बहुत ज्यादा ही वुड्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने शुगर केन्स को भी प्लांट कर दिया। इनका रोल माइनक्राफ्ट में कुछ ज्यादा ही बढ़ा है। इनसे मैं पेपर बना सकता हूँ एंड बुक्स भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइनली एक बेड को क्राफ्ट कर दिया एंड ये मेरा फर्स्ट गुड नाइट स्लीप है। गुड मॉर्निंग होते ही मैंने माइनिंग करना चालू कर दिया। मैंने बहुत दिन तक माइनिंग की, मतलब लगातार 6 दिन तक माइनिंग किया। मेरे को बहुत सारे चीजें मिल जाते हैं। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत स्काफोल्डिंग को भी क्राफ्ट कर लिया क्योंकि बाहर बड़े बड़े ट्रीज उगे थे, उनको कलेक्ट करने के लिए ये स्काफोल्डिंग बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। सो मैंने स्काफोल्डिंग को क्राफ्ट कर दिया एंड वुड्स कलेक्ट करना चालू कर दिया। उसके बाद मैं आइलैंड को वापस आ गया एंड जितना हो सके उतना डर्ट को कलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे वुड्स एंड स्टोन्स कलेक्ट हो चुके थे, साथ ही साथ बहुत सारा डर्ट भरा पड़ा है। एंड फाइनली वो दिन आने वाला था जिसका बेसब्री से इंतजार था। एंड हाँ गाइस, आपने सही गेस किया, आज हम लोग बिल्ड करने वाले हैं अपना एक प्यारा सा ट्री हाउस को। तो अब टाइम पास करने का मतलब नहीं बनता, चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमारा घर बन के रेडी हो चुका है, बस नेचुरल डेकोरेशन करना बाकी है, वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। मतलब लगना चाहिए ना भाई, ये नेचुरली पेड़ उगा है। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे घर के अंदर क्या है। तो एंट्रेंस में आपको बहुत सारे चेस्ट, फर्नेंस एंड क्राफ्टिंग टेबल देखने को मिल जाता है। अगर आप सीढ़ी के थ्रू ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक और रूम देखने को मिल जाता है, ये फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पर बहुत सारे बैरल्स है, साथ ही साथ चेस्ट एंड फर्नेंस भी है। एंड जो सेकंड रूम है ना, इसमें मैं ब्रिंग स्टैंड को रखने वाला हूँ बहुत सारे पोर्शंस बनाने के लिए। साथ ही साथ ये बालकनी को भी देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है।
तो यहाँ पर मैंने डेली काम करना स्टार्ट कर दिया, वीट कलेक्ट करना या फिर पोटैटोज कलेक्ट करना एंड शुगर केन कलेक्ट करना, सब कुछ यहाँ पर काम को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जितने भी पुराने घर में सामान था उन सबको मैंने नए घर के अंदर शिफ्ट कर दिया एंड पुराने घर को तोड़ दिया। एंड यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे शुगर केन्स कलेक्ट हो चुके थे, सो मैंने डिसाइड कर लिया उनके लिए एक अलग सी जगह बनाते। सो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा फार्म बना दिया एंड जितना भी मेरे पास शुगर केन्स है उन सबको यहाँ पर मैंने लगा दिया। उसके बाद मैंने एक और फार्म बना दिया वीट एंड पोटैटोज के लिए। तो अब फाइनली टाइम आ चुका है नरक का दरवाजे को ओपन करने का, यानी मैं बात कर रहा हूँ नेदर पोर्टल के बारे में। तो चलो यार उसको भी बना लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने गोल्डन बूट्स को क्राफ्ट कर लिया एंड निकल पड़ा नेदर को। तो वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस था क्योंकि भाई बहुत सारे ज़ॉम्बीज भरे पड़े नेदर में, फिर भी यार जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि थोड़े बहुत चीजें ऐसे हैं जो नेदर के अलावा कहीं पर भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने नेदर पोर्टल के लिए एक सिंपल सा कवर जैसा बना दिया था क्योंकि साला घास्ट भी दिमाग खराब कर रहा था यहाँ पर, एंड अगर वो गलती से भी थूकेगा तो भाई ये मेरी तो बैंड बज ही जाएगी, साथ ही साथ मेरा नेदर पोर्टल भी टूट जाएगा। बाकी जगह तो काफी ज्यादा बढ़िया मिली है मेरे को। उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया पिगलिन से। तो मेरे को सबसे पहले बहुत सारा लेदर चाहिए था, फायर रेजिस्टेंट पोर्शन की भी जरूरत थी, साथ ही साथ बहुत सारे आई ऑफ एंडर्स भी चाहिए थे। सो मैंने बहुत देरी तक ट्रेडिंग की एंड मेरे को बहुत सारी चीजें भी मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर मेरे को फाइनली मिल जाता है फायर रेजिस्टेंट पोर्शन। तो इसका इस्तेमाल मैं कैसे करता हूँ आप देखते जाओ। उसके बाद मेरे को फाइनली मिल जाता है नेदर फोर्ट्रेस। बाकी यहाँ पर बहुत संभाल के रहना पड़ेगा क्योंकि हर जगह खतरा ही खतरा मंडरा रहा था। बाकी ये बावड़ी भी आ गए भाई, सबसे बड़ा सिरदर्द है ये विदर स्केलेटन्स, इनका ये इफेक्ट है ना भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो फाइनली यहाँ पर मेरे को ब्लेज का अड्डा मिल जाता है। तो अब टाइम आ चुका था। Close your eyes. उसके बाद यहाँ पर मेरे को बहुत सारे नेदर वैट मिल जाते हैं, इन सबको मैंने कलेक्ट कर दिया। तो फाइनली यहाँ पर सक्सेसफुली नेदर मिशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैंने दो ब्रिंग स्टैंड को भी क्राफ्ट कर लिया एंड जो जगह बनाई थी ब्रिंग स्टैंड को रखने के लिए वहां पर इसको जाके रख दिया। उसके बाद मेरे सभी टूल्स को मैंने रिपेयर कर दिया एंड यहाँ पर जितने भी वीट उगे थे उन सबको मैंने कलेक्ट कर दिया एंड वापस भी लगा दिया। बाकी यहाँ पर बहुत सारा शुगर केन भी उगा था, इन सबको मैंने कलेक्ट कर दिया। इनसे मैंने बहुत सारे पेपर्स बनाए, पेपर से बुक्स, बुक से बुक शेल्फ बनाया एंड एंचेंटेड टेबल के आसपास रख दिया। बाकी थोड़ा बहुत डेकोरेशन का काम को भी स्टार्ट कर दिया, साथ ही साथ थोड़े बहुत शूम लाइट लगाए एंड लैंटर्न को भी प्लेस कर दिया। इनसे थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी बन जाएगा, साथ ही साथ सब जगह उजाला भी बन जाएगा। उसके बाद मैंने नेदर पोर्टल के सामने एक फार्म बना दिया नेदर वैट के लिए। इनसे क्या होगा, हमें थोड़ा बहुत ज्यादा नेदर वैट मिल जाता है एंड थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी बन जाएगा। बाकी मैं लैंड को वापस आ गया क्योंकि मेरे को बहुत सारे काउस चाहिए थे, मतलब सिर्फ दो ही काउस चाहिए थे। उसके बाद मैं उनको ब्रीडिंग करके उनका संतान बढ़ा दूंगा। तो साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे काउ को भी मैं लेके आ गया एंड इनको ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया। वैसे यहाँ पर बहुत ही अंधेरा हो चुका था, मैंने सोचा कि जल्दी सो जाते, सुबह उठ के काम करते। तो यहाँ पर सुबह हो चुका है, मैं शॉर्टकट से नीचे आ चुका हूँ। उसके बाद मैं फिर से निकल पड़ा लैंड को, इस बार मैंने शीप्स एंड चिकन्स को भी लेके आ गया। उसके बाद यहाँ पर जितना भी डेली काम था इन सबको मैंने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर इनकी तादाद काफी हद तक बढ़ चुकी थी एंड इनको रहने के लिए कोई भी घर नहीं था, सो मैंने डिसाइड कर लिया इनके लिए एक अलग सी घर बनाते। एंड मैं यहाँ पर बात कर रहा था एक बार्न हाउस के बारे में, तो चलो यार बिल्ड करते हैं।
तो फाइनली यहाँ पर हमारा बार्नहाउस बन के रेडी हो चुका है हमारा, मतलब एनिमल्स का, बस इनको मारना बाकी है। मतलब इनके लिए घर बना दिया था, अब इनको ही मार रहा हूँ। मतलब कोई बात नहीं यार, मतलब मेरे को लेदर्स चाहिए थे तो इनको मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने एन्चेंटमेंट टेबल का भी लेवल बढ़ा दिया। उसके बाद मैं सीधा चला जाता हूँ नेदर को, क्योंकि मेरे सभी आर्मर्स एंड वेपन्स को मैक्स करना था, इसलिए एक्सपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मेरे को बहुत सारे एंडर पर चाहिए था, वो मेरे को मिल जाते हैं एंडरमैन से, एंडरमैन मिल जाते हैं ग्रीन वाले बियोम में। बाकी यहाँ पर मेरे को जंगली सुअर भी मिल जाते हैं, इसको भी मैंने गंदी वाली कुटाई कर देता हूँ। मतलब सभी जगह आपको टाइम पास करने के लिए ऐसे चूरन्स मिलते रहते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने नेदर क्वार्ट्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मेरे को सबसे पहले एक्सपी इंक्रीज करनी थी, मेरे को कम से कम 40 तक एक्सपी इंक्रीज करना है, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे नेदर क्वार्ट्स कलेक्ट कर दिया, साथ ही साथ एक्सपी को भी। उसके बाद मैं आ जाता हूँ एंडरमैन्स के दुनिया में थोड़े बहुत एंडरपल्स को कलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/2 का एक सिंपल सी जगह बनाई एंड सभी एंडरमैन्स की कुटाई कर दी। नेदर से आने के बाद मैंने सबसे पहले एक बो को क्राफ्ट कर दिया एंड उसमें फुल्ली मैक्स एन्चेंटमेंट लगा दिया, यानी इन्फिनिटी वाला एन्चेंटमेंट। उसके बाद मेरे पास जितने भी वेपन्स एंड आर्मर्स थे उन सब में मैंने एन्चेंटमेंट लगा दी, साथ ही साथ फुल्ली मैक्स बना दिया, बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। बाकी यहाँ पर मेरा सेकेंड मिशन भी सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है, फुल्ली एन्चेंटेड डायमंड आर्मर को बनाना। तो यहाँ पर मेरा सारा काम खत्म हो चुका था, इसलिए मैंने एंडर ड्रैगन को मारने के लिए प्रिपरेशन करने लगा। बहुत सारे गोल्ड्स थे, इन सबको कलेक्ट कर दिया एंड इनसे मैंने बहुत सारे गोल्डन एप्पल्स को क्राफ्ट कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आई ऑफ एंडर को भी क्राफ्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने बहुत सारे पोर्शंस बनाए, पोर्शन ऑफ स्लो फॉलिंग, पोर्शन ऑफ रीजनरेशन एंड पोर्शन ऑफ स्ट्रेंथ। फाइनली कल वो दिन आने वाला है जिसका बेसब्री से इंतजार था। बस यार मेरे को एक ही डर है कि ये सभी प्रिपरेशन वेस्ट ना हो जाए। मतलब मैंने जितना भी बिल्डिंग किया है एंड बहुत कुछ स्ट्रक्चर्स को भी बनाया, मतलब पीछे देख सकते हो यार, इतना बड़ा ट्री हाउस भी बना दिया है मैंने, ये मतलब कभी वेस्ट ना हो जाए, इतना ही डर है मेरे को। बाकी मैं एंडर ड्रैगन को लपेट सकता हूँ, उतना तो ताकत है मेरे पास, तो मेरे को यकीन है अपने आप पर, मैं एंड सिटी को जरूर से आजाद कर दूंगा। वैसे हारना या फिर जीतना देखा जाएगा, अपना बेस्ट में दिखाने वाला हूँ, सो देखते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मॉर्निंग तो हो चुकी है, अब मैं रेडी हो चुका हूँ एंडर ड्रैगन को पीटने के लिए। सबसे पहले डायरेक्शन देखते हैं, तो जाना किधर है वैसे, सो डायरेक्शन तो बता दिया। सबसे पहले बोट निकालते हैं एंड सीधा चलते हैं एंडर ड्रैगन के घर के ओर। बस यार मेरे को एक ही डर है, क्या इसको मैं आखिरी बार तो नहीं देख रहा हूँ। बहुत दिन बीत गए बट कहीं पर भी मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं मिला, बट मैं हार नहीं मानने वाला, बस ऐसे ही ढूंढता रहूंगा जब तक मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं मिलता। तो यहाँ पर मेरे को फाइनली विलेज मिल जाता है जिसके नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड दफन था। सो यहाँ पर नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, सो मैंने यहाँ पर बिना देरी के खोदना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर मेरे को फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है, सो मैंने सबसे पहले एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। बाकी यहाँ पर स्वागत नहीं करोगे आप? हाँ भाई तू स्वागत कर ले पहले। यहाँ पर भाई मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ भाई, ये अलग ही पीछे पड़ रहा है मेरा। उसके बाद मैंने यहाँ पर पोर्टल को ढूंढना चालू कर दिया, सब जगह एक्सप्लोर कर दिया, मेरे को यहाँ पर फाइनली पोर्टल मिल जाता है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई इस जगह पर भी पोर्टल हो सकता है। सबसे पहले मैंने स्पॉनर को हटा दिया। बाकी यार पोर्टल को देखो यार, क्या ही जबरदस्त लग रहा है, मतलब मजा आ गया देख के। उसके बाद यहाँ पर मैंने आई ऑफ एंडर को लगाना चालू कर दिया एंड यहाँ पर आखिरी वाले को भी लगा दिया। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक एप्पल को खा लिया, गोल्डन एप्पल, उसके बाद सीधा अंदर चला गया। तो फाइनली मैं यहाँ पर एंड में आ चुका हूँ। बाकी बहुत ही घटिया जगह पर मैं स्पॉन हो चुका था,
तो सबसे पहले मैं एंडर पल थ्रो करके वहां पर चला गया जहां पर एंडर ड्रैगन दहाड़ रहा था। बाकी यहां पर एंडर ड्रैगन्स के चेले चपाटे ने मेरे को स्वागत कर दिया, तो उनको भी मैंने उनकी भाषा में ही समझा दिया। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत पोर्शंस को ले लिया एंड एंड क्रिस्टल को फोड़ना चालू कर दिया। Close your eyes. तो यहाँ पर मैंने फाइनली आखिरी एंड क्रिस्टल को भी फोड़ दिया। अब एंडर ड्रैगन को फोड़ना बाकी है। तो यहाँ पर मैंने पोर्शन ऑफ स्ट्रेंथ पी रखा था, बाकी मेरा स्वॉर्ड था शार्पनेस 4 वाला, इसलिए यार एंडर ड्रैगन की हेल्थ बहुत ही गंदी तरीके से जा रही थी। बाकी एंडरमैन्स भी बहुत दिमाग खराब कर रहे थे, इनको भी मैंने बहुत ही गंदी वाली कुटाई कर दी। तो यहाँ पर एंडर ड्रैगन का हेल्थ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बस एक फटका बाकी है उसको मरने के लिए। एंड यहाँ पर फाइनली मैंने एंडर ड्रैगन को बहुत बुरी तरीके से डिफीट कर दिया। तो यहाँ पर मेरा तीसरा मिशन भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, मतलब अभी कंप्लीट होने वाला है। मतलब मिशन था एंडर ड्रैगन का अंडा चुराना। तो सबसे पहले मैं XP कलेक्ट कर देता हूँ, जितना भी मिले उतना, 54 XP हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर मेरा तीसरा मिशन कंप्लीट हो गया है, मतलब एंडर ड्रैगन का अंडे को भी चुरा लिया है। बाकी सामने एंड सिटी का पोर्टल खुला है, वहां पर जाते ही हमें मिल जाता है एलाइट्रा, उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अगर 200 डेज का वीडियो आ गए तो। तो कमेंट में जाके जरूर से बताएगा आपको 200 डेज का वीडियो चाहिए या फिर नहीं। वैसे यहाँ पर रात हो चुकी है, जल्दी से जाके सो जाते हैं, सुबह उठ के सब कुछ काम निपटा देते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमारा 100 डेज का सफर कंप्लीट हो जाता है। बाकी आप कमेंट में जाके जरूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड 10 लाइक्स का एम टारगेट रखा है, तो जरूर से जाके लाइक गोल को कंप्लीट कर देना। बाकी इस वीडियो को बनाने में कम से कम मेरे को 15 डेज तक टाइम लगा है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगे, आप समझ सकते हो यार, मतलब एक पॉकेट एडिशन में फुल्ली सिनेमैटिक वीडियो बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी कर देना, 5K सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। एंड अपने सारे फ्रेंड्स को एक बार शेयर करना, कमेंट में जाके जरूर से बताएगा आपको आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आपके लिए जरूर से वीडियो बना दूंगा। तो चलो यार, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।